ये एक ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है और इसकी खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स हैं जिसमें चारों तरफ से ऐसे कट्स बने हुए हैं और इसकी जो शेप है लगभग एक पान के पत्ते की तरह से नज़र आती है और हर एक लीफ का जो वेरिएशन है वो दूसरी लीफ से अलग है। ये देखिए, इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक ये जिसमें वाइट और ग्रीन वेरिएशन है और दूसरी इसकी जो वैरायटी है वो बेहद ही खूबसूरत है गाइस। ये देखिए, मल्टी कलर्स का वेरिएशन है इसमें। ये एक शर्ब प्लांट है और जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसकी जो लीव्स हैं उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और चारों तरफ से जब ये प्लांट घना हो जाता है तो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। और ना केवल ये प्लांट अपनी खूबसूरत वेरीगेटेड लीव से जाना जाता है बल्कि इसके आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी हैं जिसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और गाइस कमेंट करना ना भूलें। वहीं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं प्लांट्स एंड प्लैनेट पर। तो इस खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट का नाम है गाइस एक्लिफा विलकेसियाना। एक्लिफा विलकेसियाना एक पेरिनियल शर्ब प्लांट है। इसका ग्रोइंग पीरियड समर सीजन होता है, इसीलिए इसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद आता है। इस प्लांट को फुल डे सनलाइट भी बहुत पसंद आती है। धूप में रहने की वजह से ही इसका जो वेरिएशन है बेहद खूबसूरत बना रहता है। वहीं अगर आप इस प्लांट को छाया में रखते हैं तो इसका वेरिएशन कम हो जाता है। इसकी लीव्स जो हैं वो प्लेन ग्रीन कलर की होने लगती हैं। तो अच्छे वेरिएशन और शार्प कलर के लिए इसे फुल डे सनलाइट में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वहीं अगर इस प्लांट को हार्श सनलाइट मिल जाती है, टेम्परेचर 30 के ऊपर जाने लगता है, तो लीफ बर्न का शिकार भी ये प्लांट हो जाता है। तो जहां अगर ये लगे कि इस प्लांट पर ज़्यादा तीखी धूप आ रही है तो इसे पार्शियल शेड में रखना चाहिए। बरसात के समय में इसकी बेहद ही फास्ट ग्रोथ होती है, लीफ का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और आप देखेंगे कि इसके जो कलर हैं वो खूबसूरती से उभर कर आते हैं। जैसे जैसे ठंड का मौसम आने लगता है इस प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है और ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाता है। इस पर देखिए इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं। और जहां तक बात करें आयुर्वेदिक बेनिफिट्स की, तो गाइस इस प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है हमारे सांस से संबंधित रोगों के इलाज में। अगर आप पतंजलि की साइट पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके फूल से लेकर के इसकी जड़ों तक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आपके शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो इसकी पत्तियों का जो रस है वो ताज़ा रस लगाने से वो घाव दूर हो जाते हैं। बट इसको डायरेक्ट खाने से बचना चाहिए। डायरेक्ट इसकी पत्तियों को खाने से वोमिटिंग भी हो सकती है। तो कैसे आप इस प्लांट का रख रखाव करें उस पर बात कर लेते हैं।
सॉइल की बात करें तो इसे एक पोरस सॉइल मिक्सचर प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि समर सीजन का प्लांट है तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में अगर पानी इसकी जड़ों के आसपास खड़ा रह जाएगा तो प्लांट रूट रॉट का शिकार हो सकता है। तो पोरस सॉइल मिक्सचर इसके लिए तैयार करना चाहिए। गर्मी के समय में इसे अच्छे से पानी दें, वहीं सर्दी में जब आपका प्लांट डोरमेंसी में रहता है तो इसे आप कम पानी दें। बात करें अगर प्रोपोगेशन को लेकर के, तो इस प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होता है। कटिंग के थ्रू नए नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया आप साल में किसी भी समय कर सकते हैं, पर अगर बरसात के समय में कटिंग तैयार की जाए तो बहुत ही जल्दी हमें एक नया प्लांट मिल सकता है। मैंने भी अभी इस बरसात में इसकी एक और वैरायटी को कटिंग से तैयार किया है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो गाइस, ये देखिए, ये इसकी एक और वैरायटी है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया है। इसकी अगर आप लीफ पर नज़र डालेंगे तो ये ट्विस्ट करती हुई हैं और बेहद ही खूबसूरत और यूनिक है ये प्लांट भी। और इस पर अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, अब समय है इसको रिपोर्ट करने का। और नज़र डालें अगर इसके पेस्ट अटैक को लेकर के, तो इस पर मिली बग्स का अटैक बहुत ही कॉमन है। बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में या जैसे बरसात का समय आने लगता है, सर्दियां शुरू होने से पहले इस पर मिली बग्स का अटैक हो जाता है, तो उस केस में आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। बात करें गाइस अगर फर्टिलाइज़र की, तो बेहद ही लो फीडर प्लांट है ये। इसको बहुत ज़्यादा या जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप अपने प्लांट को रिपोट करते हैं उसी समय आप इसमें सॉइल मिक्सचर के साथ ही फर्टिलाइज़र दें इसे, उसी में ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा रिपोटिंग के। और अगर ऐसा लगता है प्लांट आपका ज़्यादा बड़ा हो गया है, रिपोर्ट करने में मुश्किल आ रही है, तो आप उसके चारों तरफ की मिट्टी को हटा करके उसमें नई मिट्टी डाल सकते हैं और उसी में ही आप इसमें फर्टिलाइज़र भी डालें, तो वो भी काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो गाइस, ये थी एक्लिफा विल्केसियाना को लेकर के जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।